पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई दादी प्रकाशमणि की 7वीं पुण्यतिथि। भाईचारे के संदेश के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सभी वर्गों के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। जिले भर के पत्रकारों ने किया दादी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान। महाराष्ट्र के लातूर में ऊर्जा संरक्षण जागृति अभियान। स्कूलों कॉलेजों में छात्रों को ऊर्जा संरक्षण का दिया जा रहा प्रशिक्षण। नेपाल के काठमांडू में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। आंध्र प्रदेश के पीथापुरम तथा कर्नाटक के देवनहली में भी आयोजन। सत्कर्मों के लिए किया गया प्रेरित। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सर्वधर्म सभा का आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा एकता के लिए राजयोग सीखने की अपील। चंडीगढ़ में युवाओं के लिए कार्यक्रम। लॉयंस क्लब समेत कई संस्थानों का संयुक्त आयोजन। संस्थान की बहनों ने दिया सद्भावना का मंत्र। और गुजरात के पाटन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम। भौतिक ज्ञान के साथ ज्ञान दान करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 7वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शांतिवन में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, बीके ब्रिजमोहन समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दादी प्रकाशमणि एक ऐसी विभूति का नाम था जिन्होंने पूरी दुनिया में यह सिद्ध कर दिया कि नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। दादी प्रकाशमणि के वात्सल्य और प्रेम के कारण पूरी दुनिया में उन्हें माँ का दर्जा मिला। उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर संस्थान के शांति वन में उनके स्मृति प्रकाश स्तंभ पर हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। लोगों ने प्रातः काल से ही दादी की यादों में खोए रहे। बड़े विनम्रता एवं श्रद्धा पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि दी और दादी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। दादी प्रकाशमणि ने ना केवल बच्चों और बूढ़ों को ही बल्कि दुनिया में सभी वर्ग के लोगों को ही जोड़ने का प्रयास करती रही, और यही वजह है कि एक छोटे से वृक्ष से शुरू हुआ यह संस्थान आज वट वृक्ष की भांति पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस अवसर पर देश विदेश के हजारों सेवा केंद्रों पर हजारों कार्यक्रम के आयोजन कर दादी को याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में संस्था की वरिष्ठ दादियों ने लोगों से अपील की कि वे परमात्मा द्वारा बनाए नियमों पर चलें और दादी के सपनों को साकार करने का प्रयास करें। दादी जी बहुत बड़ी और खुली दिल से छुट्टी देती थी, और देखा गया कि दादी जी ने जैसे ही बड़ी दिल रखकर छुट्टी दी तो जितने भी हमारे भाई बहन पूरे विश्व में ऐसी दादी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी आत्मा कहीं नहीं मिलेगी जो सबको इतना प्यार देती थी, इतना दुलार देती थी, सबका इतनी व्यवस्था का ध्यान रखती थी। दादी जी दाद दिन में 10 बार पूछी थी, ओके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ मिला। आज हमारी मीठी दादी हमें बहुत याद आती है, उसने हमें बहुत पालना दी है। वो उसका स्लोगन है वो निर्माण चित्त बनो, वो हमें बहुत अच्छा लगा है। हम हमारे जीवन में ही स्लोगन के साथ हमारे परिवार के साथ ऐसे ही रहते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुनी, सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी तथा उनके संकल्पों को साकार करने का संकल्प लिया।
श्रद्धांजलि सभा से पूर्व जिले के पत्रकारों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। शांतिवन में आयोजित इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, सूचना निदेशक बीके करुणा, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु समेत कई लोगों ने पत्रकारों को दादी के संकल्पों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाने पर जोर दिया। दादी जी एक लीडर थी, आध्यात्मिक लीडर, और उसने सबको आध्यात्मिक लीडर बताया। हमने ये देखा दादी जी के अंदर कभी भी किसके भी प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं होती थी। मीडिया अर्थात जो सबको संदेश पहुंचाने वाले, सबके लिए मीडियम बन जाते हैं, जो भी न्यूज, जैसी भी न्यूज, ये न्यूज न सिर्फ अपने लिए परंतु दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है। बड़ी संख्या में आए पत्रकारों ने संस्था का हर पल सहयोग करने तथा इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने का आश्वासन दिया। ऐसे ही श्रमिकों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने उपस्थित होकर दादी के जीवन से सीख लेते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में ऊर्जा संरक्षण जागृति अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी योजना के प्रबंध निदेशक आदिनाथ सांगवे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, स्कूल प्राचार्य की निशा प्रास्वामी समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके नंदा समेत कई लोगों ने विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से नुकसान होने वाले ऊर्जा के कारण बताए तथा उसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया। पानी, हवा और सोलर की ऊर्जा को क्या क्या बचत करने से हमें क्या फायदा होता है वर्तमान समय, इसकी जरूरत। इसके अलावा हमें और एक बचत करना जरूरी है, वो है समय और संकल्प। इसलिए समय की बचत के लिए हमें अपने विचारों का बचत करना भी। मैं डाउन टू अर्थ इस मैगजीन से या CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से सुनते आ रही हूँ कि अपने देश की एनर्जी हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते। यानी क्या इसका सही मतलब मैंने आज सर के स्पीच से मुझे पता चला। मुझे ये भी सीखने को मिला कि हमें हमारे देश के अच्छे भवितव्य के लिए हमारी एनर्जी सेव करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में सहभागियों ने ऊर्जा बचाने का संकल्प लिया। कोरबा में मुस्लिम समुदाय के सचिव जनाब इकबाल मुल्ला साहिब के कोरबा आगमन पर जमात ए इस्लामी हिंद संस्था सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। सांप्रदायिक सद्भाव तथा भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान की बीके कुसुम ने विश्व में शांति के लिए राजयोग सीखने की अपील की। इस कार्यक्रम में अनेक धर्म गुरुओं ने भी एक मंच पर आकर सकारात्मक प्रयास करने पर जोर दिया। नेपाल के काठमांडू में 7 अरब सत्कर्मों की परियोजना कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस अवसर पर वन तथा भू संरक्षण मंत्री महेश आचार्य, ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विश्वरैया, पूर्व राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठ, जोन प्रभारी बीके राज समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नेपाल के वन और भू संरक्षण मंत्री महेश आचार्य ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान पूरे विश्व में सराहनीय कार्य कर रही है, प्रत्येक लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। There are so many crises in the world, including a moral crisis, mental crisis. And mother of all crises is the mental crisis. So the mind is need to be clean first. Just be clean our face, clean our body, clean our other things.
must now clean the human mind. How we can clean? It is only the spirituality, it is only the yoga, it is only the meditation, it is only the deep spiritual understanding helps us to cleaning our consciousness. आंध्र प्रदेश के पीथापुरम में 7 अरब सत्कर्मों की परियोजना का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विधायक SVSN वर्मा, नगर अध्यक्ष के चिन्ना राव, कमिश्नर बी रामू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के लक्ष्मी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों ने लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की तथा स्वयं भी उसको लागू करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कर्नाटक के देवनहली सेवा केंद्र द्वारा स्कूलों में भी 7 अरब सत्कर्मों की परियोजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर MVM स्कूल के चेयरमैन तथा बीके सुगन्या, बीके संपूर्णा समेत कई शिक्षकों व बीके भाई बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में 7 अरब सत्कर्मों की परियोजना पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने लोगों को छोटे से छोटे शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने कहा कि नारी शक्ति ही बेहतर समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भौतिक ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कार देने की भी अपील की। इस अवसर पर बीके निधि समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। चंडीगढ़ में लॉयंस क्लब तथा रायत एंड बहरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड यूथ डे पर सकारात्मक और व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान की बीके बहनों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने NSS तथा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मूल्यों के विकास पर जोर दिया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के चेयरपर्सन संजय मेहंदीरता, एग्जीक्यूटिव मेंबर हरविंदर सिंह खिल्लन, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर जुझार सिंह ने सभी युवाओं से राजयोग द्वारा मन को शांत व व्यक्तित्व विकास करने की अपील की तथा बीके कविता को लॉयंस क्लब की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। महाराष्ट्र के वाथार किरोली सेवा केंद्र पर 25 साल से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित बहनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुणे सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, मुख्यालय माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके राहुल ने सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में डॉक्टर कुमुद, कोल्हापुर सेवा केंद्र की बीके योगिनी, वाघोली सेवा केंद्र की बीके मंगल समेत अन्य भाई बहने उपस्थित थे। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके नलिनी, बीके उषा, बीके शारदा समेत कई भाई बहनों ने समर्पित बहनों को शुभकामनाएं दी तथा अपने समर्पित जीवन के अनुभवों को साझा किया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बीके सुलभा को मोमेंटो भी भेंट किया। इसी तरह PWD सरकारी कार्यालय में 7 अरब सत्कर्मों की परियोजना और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके सुलभा ने 3 दिन का राजयोग शिविर करने की अपील की। ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में नवनिर्मित जॉलीवुड स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा समेत कई लोगों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर दादी ने कहा कि यह जॉलीवुड स्टूडियो में बनने वाले कार्यक्रम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस नवनिर्मित स्टूडियो में मूल्यनिष्ठ कार्यक्रमों के अलावा प्रवचन, डिबेट समेत कई विषयों पर जनसरोकारी कार्यक्रम बनाए जाएंगे। खुद प्रसन्न रहेगी और उनको प्रसन्न रखेगी, वही यहाँ से कार्यक्रम दे सके। सिकंदराबाद के मीरपेट सेवा केंद्र द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय रेल नियलम में व्यवसाय में उत्कृष्ट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के रामनाथ ने आध्यात्मिक शक्ति से जीवन में सफलता हासिल करने के गुर बताए। कार्यशाला के दौरान स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुनीता, मुख्य सिग्नल और दूरसंचार अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के राजीम सेवा केंद्र पर बी के पुष्पा व बी के नारायण ने महामंडलेश्वर तांत्रिक स्वामी बिंदु महाराज तथा समाज सेवी मनमोहन को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा आध्यात्मिक चर्चा भी की। मुंबई के मालेगांव सेवा केंद्र द्वारा कंचन मोटर्स लिमिटेड के प्रबंधक और कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय माउंट आबू से बी के बालू ने तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग का अभ्यास करने की अपील की तथा सेवा केंद्र प्रभारी बी के शकुंतला ने सेवा केंद्र पर आने के लिए आमंत्रित किया। अजमेर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर ज्ञानामृत पत्रिका के स्वर्णिम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बी के रूपा ने पत्रिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए आत्म सशक्तिकरण के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर पार्षद लालावाणी, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गोवर्धन वंदावी समेत कई लोग उपस्थित थे। अब खबरें जन्माष्टमी पर्व की। महाराष्ट्र के उल्हासनगर सेवा केंद्र द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने वर्तमान समय में श्री कृष्ण के जन्म और नई दुनिया के आगमन की नृत्य नाटिका द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। खचाखच लोगों से भरे सभागार में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का खूब मनोरंजन कराया। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजबाला, छोटी छोटी मैया छोटे छोटे कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के साथ सेवा केंद्र प्रभारी बी के सोम, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्य
गोंदिया में स्वदर्शन भवन सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण की झांकी भी सजाई गई, साथ ही नन्हे बाल गोपालों ने दही हांडी मटकी भी फोड़ी। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने डांडिया रास कर यह संदेश देने की कोशिश की कि आने वाली दुनिया श्री कृष्ण की दुनिया होगी। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा संचालित ओल्ड एज होम के निवासियों ने भी श्री कृष्ण और राधा के रूप में जन्माष्टमी का पर्व मनाया। साथ ही राजयोग द्वारा बदलती जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के अनुभवों को साझा किया। अब खबरें स्वतंत्रता दिवस की। उरई सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम आनंद मिश्रा और एडिशनल एसपी लालन सिंह, उरई सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने झंडा फहराकर पर्व मनाया। इस अवसर पर भारत माता तथा पांच विकार रूपी भूतों की झांकी से यह संदेश दिया गया कि भले ही भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन पांचों विकारों के वशीभूत होने के कारण मनुष्य आज भी दुखी है। बड़ौदा के अलकापुरी सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीत स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेडियो व टेलीविजन के जानी मानी गायिका तरविंदर कौर, कुमकुम लाल और ययाति देवता स्पर्धा में जज के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने भारत देश की महिमा में कहा कि भारत एक दिन स्वर्ण बनेगा और यही परमात्मा की अवतरण भूमि है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। महाराष्ट्र के वाठार किरोली में अंबा माता महाविद्यालय में 15 अगस्त के उपलक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवानी ने झंडा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया। कानपुर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र के बीके धनंजय और बीके डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव से मुलाकात की तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।